नमस्कार, आप देख रहे हैं अरुण भूमि समाचार। इस वक्त हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट के देलो गांव से। यहां आज आईएमसू यानी कि ऑल इदू मिशमी स्टूडेंट्स और इदू मिशमी बप्तीस खुमो एम्बो के कोलेबोरेशन से एक सेमिनार चल रहा है। तो उस सेमिनार का टॉपिक है सब्सटेंस अब्यूज, जो कि ड्रग्स से रिलेटेड जो बुराई जो भी है वो यहाँ अवेयरनेस दिया जा रहा है। तो इस अवेयरनेस के लिए उन्होंने बाहर से रिसोर्स पर्सन बुला करके यहाँ सभी को सिखाने के लिए बताने के लिए दिया जा रहा है। तो आइए देखिए आगे का ये रिपोर्ट। तो हमारा ड्रग्स के खिलाफ जो वैक्सीनेशन है वो हमारा घर पे ही लगता है, तो वो हमारा माँ पिताजी का आचरण से ही बच्चा को वो डोज जाता है। किसी का भी घर में अगर दारू का पार्टी चलता रहता है और बच्चा दारू से आगे जाके दारू से मुक्त हो जाएगा, ये सोचना बहुत गलत है। किसी का उधर पे भी कानी गांजा सिगरेट तंबाकू ये सब पी पी के बड़ा लोग दारू पी पी करके, हाँ बच्चा को तो दारू मत पियो दारू मत पियो दारू अच्छा नहीं है बोलने से भी खुद लोग कोना में बैठ के दारू पी करके ताश खेल रहा है ऐसा कर रहा है, वो बच्चा तो देख ही रहा है, उसको तो लग रहा है हाँ मत पियो तो बोल रहा है लेकिन खुद लोग तो मस्ती कर रहा है ना, ये देख रहा है। तो इसीलिए आपका कहना और कथनी दोनों बराबर होना पड़ेगा। तो ये चीज जो है खासकर हम लोग का अभी यहाँ में बहुत बड़ा है, लेकिन हम लोग ये ज्ञान जो है जो नया पेरेंट्स जो छोटे छोटे नया अभी शादी हुआ है उन लोग जो है अपने बच्चों को किस तरह से बड़ा करना है उसको हम लोग उन लोग को गाइड कर सकते हैं। हमसे बहुत गलतियां होगा ना, हम लोग भी जाने अनजाने, क्योंकि जानबूझ करके अपना बच्चा को बिगाड़ना चाहता है या खराब माहौल देना चाहता है ऐसा तो कोई नहीं है, लेकिन जाने अनजाने में कि ये असर भी हो सकता है ये नहीं जान के हम लोग जो है वो कर लिए। तो जैसे हमारे घर में भी पॉलिटिकल माहौल है ना, तो पॉलिटिक्स का बात चलता है तो बच्चा भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट आ जाता है, वैसे ही दारू का माहौल है तो बच्चा जरूर दारू का तरफ उसका खिंचाव हो गई है, वो बाहर आपके साथ नहीं लेकिन वो बाहर में जाकर टेस्ट कर ही लेगा। तो वैसा ही तो एक नशा से दूसरा नशा, क्योंकि घर पे वो ड्रग्स का तो नहीं होता है, लेकिन एक दो फैमिली है हमारे ईद में भी जिन घरों में ड्रग्स का जो है फेस्टिवल चलता था बेचा जाता था तो वहां हर बच्चा में ये असर हुआ है। तो ये तो है, किसी से छुपा नहीं है ये बात। तो इसीलिए जो है इसको हम लोग सबसे पहले अपना घर का अंदर में झाड़ू मारना बहुत जरूरी है। मेरा ये इंटरेस्ट नहीं है कि मेरा बेटा जो है इंजीनियर बनके डॉक्टर बनके या एडीसी डीसी बनकर के, दैट इज नॉट माय इंटरेस्ट। व्हाट इज माय इंटरेस्ट इज मेरा बेटा अच्छा बच्चा बनना है, दैट इज माय डिमांड फ्रॉम मी। इंजीनियर बन के करप्शन करके जेल में जाएगा, डॉक्टर बन के किसी का किडनी काट के भेजेगा और फिर जेल में जाएगा, डीसी बन के करप्शन करेगा लास्ट में रिटायरमेंट के समय में जेल में जाएगा, एसपी बन के किसी को फ्रेम आउट करके फंसाएगा खुद जाके फंसेगा। ये कोई आपका बच्चा का अच्छा एंड है? आपने बना दिया इंजीनियर नो प्रॉब्लम, आपने एसपी बना दिया, आपने डीसी बना दिया नो प्रॉब्लम, लेकिन आपने सुना होगा डीसी का क्या हाल हो, कोई डीसी का इतना सारा करने के बाद रिटायरमेंट के समय में जेल में जा रहा है, कितना इंजीनियर्स जेल में हो गया, कितना डॉक्टर्स किसी का वो काट के बेच के फिर हो, तो व्हाट इज इट, अंत क्या है? इसका अंत कोई अच्छा नहीं हुआ। डॉक्टर बन के इंजीनियर बन के डीसी बन के ये कोई अच्छा इंजीनियर ये कोई अच्छा लाइफ कैरी ओवर लाइफ होगा ये कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आई टोल्ड माय सन, तुम डॉक्टर बनो इंजीनियर बनो डीसी बनो जो भी बनो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इज यू बी माय गुड सन।